एक विचलित कर देने वाला वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर इमोशनल कर देने वाला इस वीडियो को दिल्ली आते समय एक शख्स ने मोबाइल फोन से शूट किया है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि सड़क पर बैठा एक शख्स कुत्ते का मांस खाने की कोशिश करता दिख रहा है। पूरा वीडियो देखें। जिंदगी में सब कुछ देखा, अब जो आपको दिखाने जा रहा हूं ये आदमी बच्चा यहाँ पे मीट खा रहा है सड़क पे पड़ा हुआ। अरे भाई क्या हुआ, खाना नहीं तेरे पास है? ये क्या खा रहा है? अरे मर जाएगा यार, तू एक काम कर, सुन वो सामने गाड़ी खड़ी है ना, वहां जाके बैठ, खाना देता हूँ तेरे को। वो सामने खड़ी है वहां पे आ जा, दूर है ना, दूर रह, वहां रुक, वहां जा, वहां रुक, यहां बैठ जा। यार भाई साहब इसको खाना दे देते हैं अपन, खाना पड़ा है मेरे पास, इसको खाना दे देते हैं। खाना? थोड़ा दूर हो आप। वो आदमी क्या वहां पे रोड पे मरा हुआ जानवर खा रहा है ये? हाँ ये खा रहा है ना, इसको खाना खाना होने की व्यवस्था नहीं है इसकी? चालू है ना ये? तू कहाँ का आदमी है पहले बता मेरे को, है कब से खाना नहीं खाया? पैसा दे रहा हूँ, रुक खाना खा ले पहले। ये जो सामने आपको मीट दिख रहा है रोड पे पड़ा हुआ, शायद कोई जानवर मर गया है, ये इसको कुत्ता खाने जाएगा अभी। आई वॉज ऑन माई वे टू दिल्ली, तो मैंने ये देखा, ये आदमी खा रहा था। तो आपको भी कोई रास्ते में दिखता है तो हेल्प कीजिए, और गवर्नमेंट को भी ये वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रद्युम्न सिंह नरुका है और मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। आज आपसे वीडियो के माध्यम से कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। अभी अभी 18 तारीख को, 3-4 दिन पहले, मैं शाहपुरा के वहाँ से गुजर रहा था अपनी गाड़ी से, तभी मैंने नोटिस किया कि एक जो आदमी है वो रोड के ऊपर कुछ बैठा है, कुछ कर रहा है। दूर से मैंने देखा, जब करीब से निकला तो देखा कि वो कुछ खा रहा था, रोड पे कुछ मरा हुआ था, ना उसके पास में चप्पल थी ना कुछ और था। तो मुझे एकदम से शॉक लगा, मतलब अजीब सा लगा, तो मैं वापस पीछे आया तो मैंने देखा, फिर मैंने वीडियो चालू किया। वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि जो पीपल वहाँ पे थे, जो लोग थे वहाँ पे, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था वो कुछ खा रहा है या नहीं खा रहा है। मेरा मेन जो मोटिव है वीडियो बनाने का वो ये है कि लोग अवेयर हों कि हम इंसान हैं, लोग ये ना भूलें कि हम इंसान नहीं हैं, इंसानियत नहीं भूले लोग। क्योंकि जब मैंने उस आदमी को साइड में बुलाया खाना देने के लिए, तब वहाँ पे 2-3 लोग और खड़े थे, मैंने उनको भी शूट किया ताकि ये रियलाइज़ हो कि आदमी कितना अजीब हो गया है। सब कुछ गवर्नमेंट नहीं करेगी, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है जितना वो कर सकती है। मैं वहाँ से निकला, उसको खाना दिया, सब कुछ किया, पानी पिलाया, पैसे दिए, लेकिन मुझे लगता है वो काफ़ी नहीं। मैंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा इस बारे में, मैं चाह रहा था कि उसको कहीं सुरक्षित जगह पहुँचा दूँ, कुछ करूँ, लेकिन वो मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि ना तो रूल्स मेरे को अलाउड करते हैं और ना कुछ और। तो मैंने वहीं गांव वालों से 3-4 जो सज्जन लोग थे उनको मैंने बात करी, उनसे अश्योरेंस लिया कि वो उसको कहीं ना कहीं पहुँचाएंगे, फिर मैं वहाँ से निकल गया। फिर मैंने उसको पोस्ट को अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल पर, और अभी शायद वायरल हो गया, तो न्यूज़ वालों ने भी मुझे बोला कि आप एक बाइट दें इसके ऊपर, कि आपने क्या सोच के ये वीडियो बनाया, क्या सोच के पोस्ट किया।
तो मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं कि मेरा सिर्फ ह्यूमैनिटी को जगाने के मकसद से मैंने वीडियो बनाया और मेरे से कोई लेने देना नहीं है। अगर एक भी आदमी किसी एक आदमी का भला कर दे तो मेरे लिए वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। वैसे मैं राजपूत कन्या सेना का जयपुर का महासचिव भी हूँ, जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, समाज सेवा करते रहते, लेकिन ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। समाज सेवा के ऊपर आदमी को लोग सोचना पड़ेगा। जहाँ भी आपको कोई आदमी दिखता है भूखा प्यासा मजबूर हेल्प करे उसकी हेल्प करें, लेकिन अपनी हेल्प भी साथ में करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप उसको धुतकार रहे हो, ये कर रहे हो, मैं उसको धुतकार नहीं रहा हूँ, मैं अपनी सेफ्टी भी देखूँगा, क्योंकि वो स्कैवेंजिंग एक्ट था, वो स्कैवेंजर टाइप का काम कर रहा था। तो मैंने सारी बातों का ध्यान रखे और अपना पार्ट अदा किया। आप भी इसके बारे में ऐसा ही